बॉलीवुड के पास सलमान का पावर है, शाहरुख का स्टारडम है, आमिर का इंटरफेरेंस है। वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे बॉलीवुड स्पेशल। अक्सर कहा जाता है कि डायरेक्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टर तो बहुत स्वीट हैं, बल्कि स्वीट का भंडार है। प्लीज वेलकम द हट के फिल्म मेकर, द वेरी टैलेंटेड मधुर भंडारकर। वेलकम टू आवर शो मधुर। आप तो आ गए, वैसे डायरेक्टर आ गए हैं, लेकिन हीरोइन कहाँ है? जलवे वाली हीरोइन ने टाइम तो ले ही आने के लिए। वैसे हीरोइन जो होती है वो 3 वर्ड्स पे जल्दी आती है। आई नो, पैसा पैसा पैसा, राइट? बिल्कुल गलत है। लाइट्स कैमरा और एक्शन। हाय करीना, वेलकम ऑन आवर शो कॉमेडी सर्कस के अजूबे। अब डायरेक्टर साहब तो आ गए हैं, हीरोइन भी आ गई है। एंड करीना, आई हैव टू से कि हमने हीरोइन के ट्रेलर्स देखे हैं और काफ़ी दमदार डायलॉग्स हैं उसमें, तो क्यों ना एक डायलॉग यहाँ हो जाए। हो जाए, हो जाए। जब वो एक जर्नलिस्ट से मिलती है तो कहती है उसे कि मुंबई डेली की एसोसिएट एडिटर हो तुम, फिल्म स्टार्स की फ्रेंडशिप तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजिशन से है। ब्रिलियंट। आई होप कि हमारी कॉमेडी की ये बॉलीवुड शाम आपकी फिल्म की तरह ब्लॉकबस्टर हो जाए। सो प्लीज टेक योर सीट्स, आई होप यू आर ट्रूली एंटरटेन टुनाइट। थैंक यू। खान, सलमान, सोहेल और अरबाज करते हैं बॉलीवुड पर राज। इनका आपसी प्यार, प्रोफेशनल व्यवहार और इनके घरेलू हालात आज पूरा इंडिया देखेगा पहली बार। प्लीज वेलकम E3 कृष्णा एज सोहेल, भोली सूरत सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स और दिल्ली से हमारा न्यू टैलेंट सिद्धार्थ एज सलमान। मेरे भाई कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें न करनी। अर्चना मेरे भाई, क्या हाल है मेरे भाई? मधुर मेरे भाई, क्या हाल है मेरे भाई? आप लोग क्या लग रहा है? आप लोग को आंख मार रहा हूँ मैं। पता है क्यों आंख मार रहा हूँ? क्योंकि करीना जी को डायरेक्ट नहीं मार सकता ना मैं। तो क्या है ना, वो एक ही फ्लो में अच्छा लगता है। करीना मेरे भाई, क्या हाल है मेरे भाई? क्या करीना, आपको एक बात बताऊँ मैं? अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर रणवीर आया था, आप लोग दोनों साथ में क्यों नहीं आए? मधुर जी को तो हम चाय की टेकरी पे मिल लेते। नो, डाउन टू अर्थ, ही गोज एवरीवेयर। मधुर भाई बहुत सेफ प्ले करते हैं, क्योंकि अभी हीरोइन बनाया है और नंबर 1 हीरोइन लिया है, तो पिक्चर डेफिनेटली श्योर शॉट हिट है मेरे भाई। अगर जिगरा हो ना जिगरा मेरे भाई, तो अर्चना को लेकर हीरोइन बनाओ। पता, रोहित शेट्टी पहले सिंगम में अजय देवगन की जगह अर्चना को लेने वाला, वो डर गया, बोला अगर अर्चना को ले लिया तो ऐसा ना हो जाए कि ये प्रकाश राज को इंटरवल से पहले ही मार दे। अरबू किधर गया? अरबू आजा गैलेक्सी की बालकनी में आजा। अरे भाई अरबू, अरबू अरबू, कम ऑन यार अरबू, तू हर बात पे नाराज क्यों जाता मेरे भाई? या मुझे अरबाज की आवाज सिखाओ या मुझे सीरियस होने दो यार। तो भाई इतनी जल्दी क्यों उठ जाता है यार तू? अरे उठा का हूं, मैं तो सोया का हूं। अरे मेरे भाई, ये कॉमेडी सर्कल वाले सुबह 5 बजे तक पैकअप करते हैं मेरे भाई। तो उनको मना क्यों नहीं करते यार, जल्दी पैकअप क्या करें? अरे मेरे भाई, कल मैंने बोला था यार कि पैकअप क्या करो, कहते कोई बात नहीं अगली बार से मत आना। पहले मुझे ये बता कि हम बड़े नाराज हैं घर पे तेरे से। क्यों? वो टीवी पे तू बोलता रहता मैं शेर खान बना रहा हूँ, घर पे किसी को पता ही कैसे छोटे भाई, लवली ब्रदर मेरे भाई। कैसे? अबे तुझे क्या हुआ, इतना नाराज क्यों तू? या मुझे आवाज सिखाओ या अरबाज, मुझे कोई, मुझे सीरियस तो होने दो, कहीं से तो लगूंगा अरबाज खान, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ? इसको नाराज रहने दो, क्योंकि जब तक इसका आवाज आएगी तब तक हमारा एक्ट खत्म हो जाएगा। सही बात है मेरे भाई, मैं थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ जज का। हाँ तू कर।
तू कर, तू क्या जजमेंट कर रहे? जजमेंट करना पड़ता मेरे भाई, वो अर्चना है ना उधर, हाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता मेरे भाई। अच्छा, हाँ कौन है अर्चना मर्द? अरे ऐसा मर्द है कि तबीयत से डंबल मारे ना मेरे भाई तो आपको भी कॉम्प्लेक्स दे देगी। क्या बात कर रहे है अरबू, ये सही कह रहा है क्या? अरबू अरबू यार डिस्टर्ब, he's too serious about it. उसको उठाओ, पूछो अरबू। एक एक मिनट यार। हाँ अरबू, ये लैपटॉप ऑन कैसे होता है? अरे मेरे भाई तेरे को लैपटॉप ऑन करना नहीं आता, सलमान भाई को लैपटॉप ऑन करना नहीं आता, इसका रिमोट कहाँ है? अब ऐसे बात क्यों कर रहा है, ये दिमाग से चलता, दिमाग से। अब क्या हुआ तुझे? अब क्या हुआ, अब क्यों नाराज बैठा है? ये कहता है या तो मुझे हर बार की आवाज सिखाओ या तो मुझे सीरियस रहने दो, बार बार बोल रहा है भाई ऐसा सुबह से। ए तू दफा हो जाए इधर से, चला जाता हूँ मैं, रहने नहीं इधर। भाई वो कॉमेडी सर्कस में आओ ना एक एपिसोड में मेरे भाई। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम का कुछ नहीं होता मेरे भाई, अभी देखो रणबीर आया और करीना आई, बैक टू बैक दो दो दिन का शूटिंग रखा, आर्टिस्टों को कितना परेशान किया उन्होंने डे नाइट में, तो आओ ना उसमें यार। आप विपुल को एक बार बोलोगे ना गैलेक्सी के नीचे ही सेट लगा देगा। आजकल लोग मेरे को जो जलवाने के लिए ज्यादा बुलाते हैं, आदत बढ़ गई, दिया साथ ही रखते हैं। आप अचानक इधर कैसे? मैं तो रोज इधर से हार्ड बोले हार्ड चल हार जाओ, आप ही मेरी तरफ हार्ड बोले हार्ड चढ़ जाए तो मैं हाड़ बड़े बड़े जा रहा। मैं एक फिल्म बना रहा नहीं, एक टाइगर होता है। हाँ बिल्कुल, तो हाड़ के लिए आपको हीरो। अच्छा ठीक, डन। न्यूयॉर्क में खेतों का सेट लगाना है, हीरोइन है कटरीना कैफ। कटरीना कैफ हाड़ के लिए बस। पहला क्लोजअप मीशा पटेल। मीशा पटेल क्या कर रही उधर? शूटिंग देखने आई, शूटिंग देखने। देखने फिर हेलीकॉप्टर का सीन भाड़ जिले। ठीक है हेलीकॉप्टर का भड़ो गुड़ 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 आओ ऐसे आओ भड़ो गुड़ 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 उधर हीरो ओप्सु हाँ दूध वाला पार्टनर दूध वाला पार्टनर दूध वाला पार्टनर दूध वाला पार्टनर फिल्म दी एंड 250 करोड़ तालियां। नहीं मुझे फिल्म नहीं करनी सर, हार गई बड़ो। नहीं नहीं मेरे को स्टोरी समझ में नहीं आई। मैं तुम्हारा सुनाता हूँ। नाराज हो गया या तो मुझे इनकी लैंग्वेज समझाओ या मुझे नाराज रहने दो। इनकी लैंग्वेज तो ये समझा सकते हैं, असली जज ये है ये। सोहेल आपसे शुरू करते हैं, ये जो हमारे सोहेल अरबाज और सलमान थे इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अरबाज अरबाज भाई वाज फैबुलस, ये हमारे घर में रोज चलता है। थैंक यू सो मच। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं या बोलते हैं क्या हमारे बारे में से बात करते हैं, मैं खुद आई हैव एंजॉयड माय ओन फैमिलीज एक्ट। Kareena, how did you like it? Well, I think abhi jo last mein Sohail ne kaha, I think it's really it's so amazing that being a judge and wo khud dekh rahe apne aap ko, and I thought you were fantastic, but we should hear it for Sohail also because he was such a sport. Yeah. Absolutely. Madhur? बहुत अच्छा लगा, मेरे ख्याल से पूरा act ही बहुत अच्छा था and बहुत हंसा मेरे ख्याल से, ये आज comedy circus में आके जो इतना हंसा हूँ मैं, superb, very nice, all of you all. Thank you. Archana? ये तीन भाई जो आपने दिखाए यहाँ पर और एक जो रियल भाई यहाँ पर जो बैठा, मेरा भाई नहीं करीना का, इट वॉज अमेजिंग टू सी दैट यू नो ही इज एंजॉयिंग दिस एक्ट एंड ऑल ऑफ अस हु बिलोंग टू द इंडस्ट्री वी रियली एंजॉय व्हाट थ्री ऑफ यू पुट अप। थैंक यू थैंक यू। सोहेल अपनी फैमिली को कितने मार्क्स देंगे? मी टू। Please welcome Tezzarar Mantra with Purbi और अमृतसर से हमारा new talent Rajiv Mehra। वाह करीना, बड़ी अच्छी लग रही हो, कुछ खाया पिया करो, इतना साइज जीरो अच्छा नहीं है। अर्चना जी से कुछ सीखो, आपको क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ए बेशरम, ऐसी गंदी बातें सोचते हुए शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसे कोई बल्ब चेंज करता है क्या? अरे इसका तो मतलब होता है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मधुर भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका तो बहुत बड़ा फैन हूँ सर, तीन तीन नेशनल अवार्ड मिले हैं आपको, तो जिनके उनको वापस कर दो, अच्छा थोड़ी ना लगता है सर।
लेकिन बॉस आपकी फिल्मों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि आपकी फिल्में यू नो वुमन ओरिएंटेड होती है, लेकिन आपकी फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो मैं हूँ। आफ्टर ऑल हर रात हमारी चांदनी बार में फैशनेबल ग्लास के साथ पेज 3 पर चकना खाते हुए और उसके बाद कॉर्पोरेट स्टाइल में बैठते हैं, घर पहुंचते हैं, बीवी बोले तो हीरोइन जूते मार के बाहर निकाल देती है और बस पूरी रात ट्रैफिक सिग्नल पर बीत जाती है। तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो ना। हाथ नीचे कर पागल आदमी, ये तोहफा नहीं है सोफा है। करीना सोफा कबूल करो। हाय करीना, हाउ आर यू? फाइन ना? आई एम आल्सो वेरी फाइन। पहचाना मोना? जिसको देख के लायन बोला करते थे, मोना कहाँ है सोना? कैसी फालतू बातें करते, कौन है तू यहाँ का सस्ता डैनी? बताओ वन साइड, बदतमीज इंसान, उल्टी सीधी हरकतें करता है मेरे साथ। हट हट तेरी ऐसी हरकतें, हट। दीदी दीदी बचाओ, दीदी दीदी मैं किसी दीदी से नहीं डरता। कौन है दीदी यहाँ पर? पेंचेक माचेक, कौन है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है? तेरी दीदी डेंजरस लग रही है। सॉरी, वो क्या है ना कि मैं खुद की शादी के मंडप से भागने जा रही थी ना, इसे बहुत देरी हो गई। नॉक हुआ, लगता है दरवाजे पे कोई आया है। अरे कोई नहीं है दीदी, नोबडी इज देयर। अरे वहां नहीं, यहां इस दरवाजे पे नॉक हुआ। वन मिनट, आई एम अ डॉक्टर, आई विल चेक। ओके समझी, पेट पे लात मारी, यानी हमारे शो का प्रोड्यूसर भी भूल दी शो। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह दैट्स ग्रेट, अब तो मैं माँ बन जाऊंगी। यस। अरे अभी एमजे बंद करना हो तो तुम यहाँ पे डांस वांस कर रही हो। मुझे रैंचो ने कहा था दीदी, जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो बस अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो और कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थैंक यू वेरी मच। रैंचो, रैंचो मोना प्रेग्नेंट है। उत्तरी यार, ओ ये मोना नहीं, ये पूरा मोहल्ला प्रेग्नेंट है यार। एनीवे कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, इसको यहाँ पर बिछाओ, इसको बिछाओ यहाँ पे। अरे बिछाओ नहीं होता यार, लेटा होता है, बिछाओ क्या है यार। अरे उसका साइज देख, उसको बिछाना ही पड़ेगा। मोना मैं इस वैक्यूम क्लीनर से बच्चे को बाहर निकाल दूंगा, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे तो वैसे गैस बनी हुई है। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट वरी डोंट वरी। बच्चे आगे बंद कर लीजिए। हाँ चलिए, यू कैन डू इट दीदी, यू कैन डू इट। आजा आजा, कांग्रेचुलेशंस प्लास्टिक बेबी। ओह लवली, सो क्यूट विद द ब्लू चड्डी, आई लव इट। या एक्चुअली फैमिली शो है, हम चड्डी के साथ लाए उसे। लेकिन रैंचो, बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा रो नहीं रहा है रैंचो, कम ऑन मेक हिम क्राई। ऑल इज वेल बेटा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये क्या हो रहा है? मुझे पकड़ो, ये मेरा बेटा, रो बेटा रो। देख सत्यदेव अंकल का शो देख के मैं कितना रोया करती थी, आज तो सत्यदेव अंकल तेरे सामने है, इनको देख के अच्छी तरह रो ना बेटा, रो ना बेटा, रो ना सत्यदेव, रैंचो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आज जिंदगी में पहली बार रैंचो ने कोई काम एक टेक में किया है। वाह वाह। एक्चुअली क्या ना, बड़े तो बड़े छोटे भी मेरा शो देख के रो देते हैं। करीना आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा थ्री इडियट्स का? थ्री इडियट्स टू मी इज वन ऑफ माई बेस्टेस्ट फिल्म एवर। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एंड स्पेशली आमिर की बहुत बड़ी फैन हूँ, सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस वंडरफुल एक्ट फॉर मी एंड इट वॉज रियली रियली गुड। सोहेल फन एक्ट, फैबुलस। अर्चना कॉन्सेप्ट वॉज नाइस लेकिन लिमिटेड, थोड़ी सी क्लैरिटी कम थी। एंड राजीव आप नए हैं लेकिन आप बहुत भरपूर है टैलेंट से, तो वो मैं और देखना चाहूंगी आपका टैलेंट। इसमें आपका टैलेंट उतना नहीं दिख पाया, हालांकि मंत्रा ने काफी कुछ देखा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट इट्स अ क्यूट एक्ट। बट थैंक यू। ओके स्कोर्स की बारी, अर्चना सॉरी गाइस बट इट्स 8 दिस टाइम। थैंक यू। प्लीज वेलकम वंडर वॉइस अजूबा वीआईपी एज रजनीकांत, कीकू एज भगवान और मथुरा से हमारा नया टैलेंट मोहित एज भक्त। हेलो, हाँ अनिल, हाँ हम जगत निर्माता बोल रहे हैं। हाँ ओहो एक मिनट, दूसरे लाइन पे आपके बड़े भाई मुकेश का फोन आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो मुकेश, हाँ जी बोलिए। क्या
दिल्ली की फैक्ट्री चल नहीं रही है। नहीं नहीं, लेकिन आज हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वो क्या है, वो पप्पू नाई का बेटा है ना, चंपू, अरे वो बोरवेल में गिर गया, उसे निकालना थोड़ा सा जरूरी है। नहीं, वो तो हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन क्या है कि आरती तो उसने पहले की थी ना। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ ओबामा, ये नहीं, देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, आप हिंदी में बोलिए ना। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। हेलो, ओ ओ अर्चना जी, अर्चना जी, मधुर भंडारकर का फोन है। चिंता मधुर जी आप मत कीजिए, आपकी फिल्म हिट है। देखिए आप देख रहे हैं ना, जगत निर्माता होना कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी तो सोचता हूँ क्यों बन गया मैं। सर जी मैं लुट गया सर, मैं बर्बाद हो गया सर। तुम कौन हो वत्स? सर आपने मुझे नहीं बचाना सर, मैं जेल गोपाल वर्मा। वत्स तुम्हें नहीं लगता कि आने से पहले तुम्हें सूचित करना चाहिए? हो सकता है आदमी को कुछ भागना भूगना हो। सर जी नहीं नहीं, सर जी रुक जाओ सर। सर जी आप तो भगवान है सर। सर आप भी ऑडियंस की तरह भाग रहे हैं सर। अरे बात ऑडियंस की नहीं है वत्स, क्योंकि हमने खुद स्वयं अपनी आंखों से तुम्हारी फिल्म आग देखी है, और उस दिन खुद जगत निर्माता को पता चला कि नर्क क्या होता है। तो आप ही बताइए, कुछ आइडिया दीजिए सर, मैं कैसी फिल्म बनाऊं जिससे मेरी फिल्म फ्लॉप ना हो। सर एक आइडिया है। हाँ जी सर। अगले सोमवार सुबह 7 बजे जी तुम फिल्मों से संन्यास ले लो। जी ए! सर मेरी बेइज्जती कर रहे सर, मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। लेकिन सर मैं जाते जाते एक धमकी देना चाहूंगा सर आपको, मैं आपको अपनी फिल्म में कास्ट कर लूंगा सर। थैंक यू सर। जगत निर्माता किस किस का भला करे, किस किस का भला करे, सारे लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं जगत निर्माता के पास, लेकिन अगर जगत निर्माता को प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाए? है कोई ऐसा जो जगत निर्माता की मदद करे? मेरे को किसने याद किया, किसने बुलाया मेरे को? रजनी सर मैंने बुलाया, मैं जगत निर्माता, ये पूरा जग मुझसे संभल नहीं रहा है सर, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। हाय जगत निर्मा, टेंशन काय को ले रहा है, कल मेरे को सुबह 6 बजे उठाना। सुबह 6 बजे क्यों प्रभु? वो क्या है कि मेरे को आसमान से चांद निकाल के सूरज फिट करने का। क्या बात है, आपके पास तो हर चीज का सलूशन है प्रभु। प्रभु आप मेरी मदद कीजिए ना प्रभु, ये सब मुझसे नहीं हो रहा है। ओके तुम्हारे डोर में मेरे हाथ में लेता हूँ, आंखें बंद करो। जी 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 प्रभु। ये क्या कर रहे हैं प्रभु आप? मैं तेरा दुख चैन सब ले रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, और तू अब आराम से जा सकता है स्वर्ग लोक। जा सकता हूँ प्रभु? यस। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। माइंड इट, तुमको क्या लगता है कि रजनीकांत चोर है? ए, मैं रजनीकांत चोर नहीं है, मैं तो कोई और है। इन रास्कल चले को आ कहता, बुझे को रा कहता, जो जगत निर्माता को टोपी पहना दे उसे विपुल डी शाह कहते, समझा? अर्चना कैसा लगा आपको ये भगवान? कीकू यू वर सुपर्ब, यू वर वेरी वेरी गुड। मोहित आपने जब पिछले इंट्रोडक्शन में बहुत प्रॉमिस दिखाई थी, एंड इन दिस एक्ट वट एवर यू वर गिवन आपने बहुत काबिलियत से उसे निभाया। मैंने पहले भी कहा कि नया टैलेंट है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे अपना हुनर दिखाने के लिए, थोड़ा जमने के लिए। यू थ्री वर वेरी गुड। ऐसे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आप लोग टैलेंटेड नहीं हो, जितना बचा सकते थे इस एक्ट को वीआईपी सर आपने आके, और वो हम सब मानते हैं कि जो भी बचा सकता है वो रजनीकांत ही बचा सकता है, और आपने आके रजनी सर की तरह आपने इस एक्ट को आके बचा दिया। करीना आपको ये एक्ट कैसा लगा? मोहित आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, एंड जो एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट वॉज द बेस्ट ऑफ द इवनिंग, सो रियली गुड एंड वेल डन। ओके अब स्कोर्स की बारी। प्लीज वेलकम हाजिर जवाबी एमडी कपिल विद सरगुन, और एमपी से हमारा न्यू टैलेंट मुबीन। हेलो हेलो हेलो, यस थोड़ा लेट आऊंगा क्लिनिक पे, या करीना आ रही है? अरे पेशेंट का क्या, मरते पैदा होते रहते हैं, छोड़ो ना, वो थोड़ा ना रोज रोज आएगी। यस यस यस, ओके ओके।
How are you, Kareena? मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मतलब you won't believe, you just should love me. मतलब मेरे को seriously मतलब आपका कभी कभी मैं पेशे से भाई पेशे डॉक्टर हूँ लेकिन जब कभी आपकी फिल्म आ रही होती ना तो believe me, you won't trust me. But मैं सब कुछ छोड़ के आपका सीन देखने आ जाता हूँ फिल्म पे. मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कल आपकी फिल्म आ रही थी वो वाली मुझे कुछ कहना है तो मेरा ऑपरेशन चल रहा था मैंने बीच में छोड़ के आपका सीन देखने आ गया जैसे तुषार का आया फिर वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया ऐसे मतलब चलता रहता है. मतलब इतना अच्छा लगता है ना आपकी एक्टिंग मेरे को सीरियसली. परसों वो भी आए थे रणबीर भी आए थे तो दोनों भाई बहन के आसपास फिल्में आ रही थी तो इतना खर्चा क्योंकि दोनों मिलके बना लेते मतलब उसकी बर्फी आपकी हीरोइन तो मिलके बना लेते ना बर्फी की हीरोइन या हीरोइन जैसी बर्फी आपके लगते भी हैं. सीरियसली मैं आपका इतना फैन हुई हूँ ना जब आपकी वो आई ना जब वी मेट उसमें कितना ट्रेंड चला ना वो सलवार के साथ टी शर्ट पहनने का मैं तो खुद एक साल पहन के घूमता रहा सीरियसली उसकी चक्कर में मुझे मैटरनिटी वार्ड में जॉब मिल गया. डॉक्टर साहब यस 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 डॉक्टर साहब मेरी पत्नी गर्भवती है डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी आओ उनको जाना भी है. हाँ इसे अच्छा होने वाला है डॉक्टर साहब क्या कीजिए डॉक्टर साहब. ओह माय गॉड इनको तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा. आइए आइए अरे 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 डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं. ओह माय गॉड अरे डॉक्टर साहब वो प्रेग्नेंट है डॉक्टर साहब आराम से तो इसलिए कर रहा हूँ जल्दी. बाबा अगर कहीं बच्चा इधर ही होगा तो मेरा 10,000 गया ना. 10,000 हाँ आप एक काम करिए रिसेप्शन पे जाके 10,000 रुपए जमा करवाइए. ओके डॉक्टर साहब 10,000 बहुत ज्यादा है कम करो ना. 10,000 ज्यादा लग रहा है तेरे को तो किसने कहा था उस रात जागने के लिए बे सो रहा था ठुल्ले. डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब 5,000 में कर दो ना. 5,000 में हो जाएगा लेकिन पेट खुला छोड़ दूंगा घर जाके सिलते रहना. पैसे का इंतजाम करता हूँ चलो जल्दी जाओ. अच्छा मेरे को बात बताओ अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है कि मार बच्चे में से किसी एक को बजाना तो किसको बजाऊं तो. अरे बाबा इतना सोचने में टाइम चल मैं अपने मूड के हिसाब से देख लूंगा जो ज्यादा जो कम चिल्लाएगा उसको बचा लूंगा. ओके तो जाके ऑपरेशन कर. बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब. हाँ डॉक्टर साहब बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब. पागल आदमी तो बच्चे को बचाना माँ को बचा मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज होता रहेगा. ये बात सही है पागल आदमी है. ये बात सही है सबर रखो सबर के बच्चे मीठे होते हैं. ओके चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं. ओके आप करेंगे कोई लेडी डॉक्टर नहीं है. बाबा दो लेडी डॉक्टर थी दोनों प्रेग्नेंट है. तेरे को लेडी डॉक्टर चाहिए ना. चल ठीक है मैं तेरा ऑपरेशन बैठ के कर देता हूँ. क्या इधर आ चल आ जल्दी आ जल्दी आ मर जाए तू. ये होने लगा ऑपरेशन ये चला दी मैंने बत्ती. मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो जुड़वा बच्चे हुए मुबारक हो. देख ओह माय गॉड सो लवली सो ब्यूटीफुल दो बच्चे हुए वो भी सेलिब्रिटी एक शशि जी एक अमित जी. ओह माय गॉड मुबारक हो तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं. अभी अपने पति को बोलना मैं 20,000 लूंगा. क्यों अरे बाबा 10,000 एक बच्चे का ना तो दो बच्चे को 20,000 हो गया. अभी समय तेरे पकड़ो अपने बच्चे. ओह गॉड आया मोबाइल है घंटी लैंडलाइन की बजा रहा तू. हेलो यस क्या नहीं रॉन्ग नंबर है. हेलो ओह गॉड सॉरी. अब क्या हो डॉक्टर साहब. कुछ नहीं तुम्हारा पति किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया उसको फांसी हो गई. नहीं तेरा बेड़ा गर्क. अब तो पति भी नहीं है तू बच्चे फेंक रही है कल को खा जाएगी. क्या हुआ नहीं रो मत देखो देखो दिल छोटा मत करो किसी की बहन. मैं तुम्हारे पति के जाने का दुख समझ सकता हूँ. अबे मुझे पति के जाने का दुख नहीं है. तो मेरे 20,000 रुपए कौन देगा. क्या तुम्हें ये दोनों बच्चे वापस पेड़ में रख दूंगा मैं बता रहा हूँ. व्हाट इज दिस मीन. तू ये कंगन दे दे मेरे को. ये सिर्फ 4,000 रुपए के. तो बाबा सोना महंगा होता जा रहा है जब महंगा हो जाएगा तो भेज दूंगा. मेरे को देना कंगन. दो कंगन नहीं एक ही बच्चा छोड़ के जाऊंगा. बढ़िया रखना एंजॉय करो ना. हे भगवान मैं इन दोनों बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी. अरे यार बड़ा तो करना ही पड़ेगा. मुझे पता है मेरा पति कातिल नहीं था. मैंने पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी बड़ा करूंगी. अपनी बाप की मौत का बदला लेंगे ये. माँ 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 तेरा बेटा का नौकरी मिल गई माँ. मुंह में डंडा दे मैं क्या कर रही हूँ. तेरे बेटे को नौकरी मिल गई माँ. तू अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया. और भी लोग आए थे भर्ती होने को माँ लेकिन ये वर्दी सिर्फ मुझे फिटाई. ये देख माँ उन्होंने डंडा और पिस्तौल भी दिया. एक काम कर ये ले सुई में ना धागा डाल दे. माँ अब तुम्हें दूसरों के कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है. अब तू इतना
पैसा कमाएगा बेटा। नहीं माँ, मेरी खुद की तीन पैंटें फटी हुई, पहले वो जाके सीना माँ, क्या करते माँ 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 बेटा, तूने मुझे बहुत खुश किया, बहुत खुश किया। मैं अभी अभी मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर बोल के मंदिर ही जाना माँ, कन्हैया लाल के घर में मत चले जाना। हमेशा मंदिर बोल के जाती है और मराठा मंदिर चली जाती है। और फिर वही ठक 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 हाय ठक 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 हाय ठक ठक हाय हट हट हट। सॉरी रवि, इतना साले एक्साइटेड हो गया, करीना को मेरी लाइनें खत्म नहीं होनी थी, पहले आ गया तू। ये मेरा भाई है, मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले बार मुझे किसी ऐसे बंदे को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो मेरा खुद का भाई होगा, इसलिए मैंने अपने भाई को आज इस पुल के नीचे बुलाया है। अब आओ। सॉरी रवि, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कार में आने वाले अक्सर थोड़ा लेट आते हैं भाई। रवि, मैं कार से नहीं आया, और देखो ये जो पुल है भाई, देखो गिर जाएगा, थोड़ा साइड में हो। भाई ये रेट्रो का पुल है, मेट्रो का पुल नहीं जो गिर जाएगा भाई, चिंता मत करो। एक बात बताओ भाई, जुल्म की काला बाजारी से तुमने आज तक कितना ब्लैक का पैसा कमा लिया भाई? उफ, ये ब्लैक का पैसा, ब्लैक का पैसा, तुम ये बात भूल रहे हो रवि कि जिस पैसों से तुम्हारी परवरिश हुई है वो भी ब्लैक का ही पैसा था। नहीं चाहिए तुम्हारा ब्लैक का पैसा भाई, एक महीने में कमा के ब्लैक का पैसा तेरे मुंह पे मारूंगा भाई। कैसे मारोगे रवि, 10 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे तुम्हें इतना पैसा कमाने में। रिश्वत नाम की भी कोई चीज होती है भाई, हमेशा अपना ही दिमाग मत चलाया करो। रिश्वत, मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। क्यों शर्म आती है भाई, मैं कौन सा ब्लाउज पहन के ड्यूटी पे जाता हूँ। मुझसे फालतू की बहस मत करो रवि। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे तुमसे बहस करने, तुमसे मार नहीं खानी। एक मिनट, हेलो, क्या मेरी माँ तुम्हारे कब्जे में है? एक मिनट, माँ से बात कराओ, माँ से। माँ, माँ तू टेंशन मत ले, माँ हम तुझे छुड़ा लेंगे, माँ माँ अभी हम जिंदा हैं। जिंदा है लेकिन छुड़ाने जाएंगे फिर नहीं जिंदा बचेंगे, डाका बड़ा खतरनाक आदमी है। रवि बकवास बात करो। मैं तो कहता हूँ रहने दो भाई, लेट इट गो, लेट इट गो। और कितने साल बचे उसके, जाने दो ना उसको। रवि माँ से बात करो, माँ से मेरी क्यों बात कर रहे हो, बात करो, तुम बोलो, बिजी है, बात करो माँ से। हेलो, हाँ माँ, माँ तुम्हें किसने कहा था गुंडों को बताने के लिए तुम्हारे दो जवान बेटे? थोड़ा रो धो के मिन्नतें करती तुम्हें भिखारन समझ के छोड़ देते। क्या है माँ, हमें पास बस के इसलिए बड़ा किया था हमें गुंडों के हाथों मरवा सको? ठीक है, पर ये कायरों की तरह बात करना बंद करो, माँ को बचाने तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं जाऊंगा भैया, तुम्हें यहाँ करीना का बुराई, तुम्हें माँ की बड़ी, मैं थप्पड़ मारूंगा। माँ को बचाने तुम्हारे साथ चलोगे रवि? माँ को नहीं बचाएंगे भैया, देखो मेरी बात सुन, मैं आपको बता दूँ। बचाओ! मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। अरे मुझे पता था तुम मुझे लेने नहीं आओगे, इसलिए मैंने विलन को राखी बांधी और खुद ही आ गई। मैंने तो पहले कहा था ये दो बार खांसेगी वो खुद ही छोड़ देंगे इसको। एक मिनट भाई साहब, देखिए माँ आ गई, अब फैसला हो जाए कि माँ किसके साथ जाएगी। फैसला क्या करना इसमें, जाहिर सी बात है माँ मेरे साथ तो जाएगी नहीं, तुम लेके जाओ। नहीं रवि, माँ तुम्हारे साथ जाएगी। मैं स्मगलर के साथ नहीं जाऊंगी। क्या स्मगलर के साथ नहीं जाएगी, वो कौन सा तुमसे माल की डिलीवरी कराया उसके साथ? मैं बिजी आदमी हूँ। मैं तेरे साथ ही चलूंगी। मेरे साथ चलूंगी, जैसी तू परफॉर्म कर रही ना, तुझे मधुर भंडारकर भी नहीं चला सकता। मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा। मैं तेरे साथ चलूंगी तभी तो फिनाले तक पहुंचूंगी, और तेरे चक्कर में अगर मैं ही वहां तक नहीं पहुंच पाया तो। ओ, समय समाप्ति की घोषणा, अब तो ये हमारे जजेस ही बताएंगे कि कौन फाइनल तक जाएगा। थैंक यू। अर्चना, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आई लव यू कपिल। आई लव यू करीना। कपिल, इस सीजन के पहले एपिसोड में ही मैं कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेक यू होम विदाउट सरगुन एंड विदाउट मुबीन। करीना, पहले आप बता ही दीजिए, डू यू लव हिम? यस, आई लव यू कपिल, माई गॉड। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज कॉमेडी सर्कस पे आई हूँ, बिकॉज आई कुड गेट टू सी यू लाइव। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच मैम। मधुर सर, कमाल, तीनों तीनों बहुत ही जलवा, मेरे लैंग्वेज में तो तीनों ने बहुत अच्छा किया। एंड सोहेल, कपिल मेरे भाई, लव यू बैक, थैंक यू। इस सीजन की पहली स्टैंडिंग ओवेशन, स्कोर्स की बारी, अर्चना। रोमांस गोज ऑन, टाटा। ओ, थैंक यू सो मच। ऑलराउंडर भारती विद सिद्धार्थ और गाजियाबाद यूपी से हमारा न्यू टैलेंट विकास एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो रणवीर, अरे सोहेल भाई आप है?
अरे हमको तो बोला था इस सीजन का जज हमारा रणबीर है। हाँ लेकिन एक बात तो है, कॉमेडी सर्कस का जज बनना कोई आसान बात नहीं है भाई। उसको आदमी को फ्री होना बहुत जरूरी होता है। अरे यार 10 बज गए अभी तक ये मेरा छैनू नहीं आया। वो छैनू किधर है छैनू? राउडी राठौड़ कहते हैं। लेकिन मालिक दोनों लाइन पूरी समझ में आ नहीं रही है। अबे इतने साल से मेरे हाथ एक दूसरे से नहीं मिले, लाइन क्या मिलेगी? दादा पहले कप दे दे फिर केतली दे दे। मालिक कप उठ नहीं रहा है। अबे कप के लिए थोड़ा झुक के ऐसे ऐसे अबे केतली को नीचे से फावड़े में डाल के ऊपर उठा ले। अबे डाल दे इसमें चाय की पतली। अबे डाल अबे माँ की आँख, जहाँ 40 साल से चाय नहीं पी, एक दिन और सही, नहीं चाहिए मुझे चाय। चल जाता हूँ, बाय बाय छेनू टाटा। लेकिन मालिक पहले मेरी बात सुनो। क्या है? कॉलर ठीक कर दो तुम्हारा। अच्छा कॉलर मेरा, छेनू बहुत होशियार है। करीना, माय नेम इज बीआरके, यानी कि भारतीय रणबीर कपूर। एक्चुअली पिछले हफ्ते आपका भाई आया था ना, इतना मर पड़ा मुझ पे कि मेरे उंगली पे अपनी माँ की चूड़ी पहना गया। चूड़ी के हिसाब से उंगली है ना, इसीलिए। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने हम जैसी लड़कियों का डायलॉग चुरा लिया कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। गलत बात, ये डायलॉग मेरे और अर्चना जैसी लड़कियों के लिए होने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप की फेवरेट होती है। मधुर जी, आपने वो कौन सी लड़की को लेके page 3 बना ली? मुझे लेते तो page 3 नहीं, पूरा का पूरा अखबार बनाते, वो भी 26 पन्नों का। पापा! अरे बेटी, हम दोनों यहाँ फंस गए बेटी। इधर मार के। ओहो पापा, आपका तो ये रोज का ही काम है। रुको, 1 2 पापा, मुझे आजकल बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एलियन उड़ा के लेके जा रहे हैं। अरे बेटी, तुमने तो सिर्फ एलियन वाली फिल्म की है, जिन्होंने फिल्म देखी उनको थिएटर से एलियन उठा के लेके गए। अबे छेनो, ज्यादा हंस मत, कपड़े थो। ओके। पापा, आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना, ताकि मैं टॉप की हीरोइन बन जाऊं। एक मिनट छेनो, कपड़ा मेरे को। पहली चीज तो यह है, तो शिरीष के साथ फिल्म नहीं करना। ओके। दूसरी बात तो रामू के साथ फिल्म नहीं करना। ओके। तीसरी बात, फिल्म के रामू के साथ दोस्ती भी नहीं करना। और चौथी बात, छेन पकड़। चौथी बात, बेटा थोड़ा मेकअप ठीक करना। मेकअप ठीक करना। और मधुर साहब, आखिरी बात आप ध्यान रखिए, हीरोइन तो आमने करीना के साथ की, लेकिन जब हीरो बनाएंगे तो मेरी बेटी को ही लेना। पापा, मैं मर्दिश नहीं हूँ, गर्लिश हूँ। छेनो, ठाचका वक्त का ठाच क्या, निकल जा मेरी नजरों के सामने छेनो। हेलो, क्या आप सच कह रहे हैं? पापा, मुझे एक नई फिल्म मिल गई, हिम्मत वाला। जो तुझे हीरोइन करके फिल्म में लेगा वो सच्ची में हिम्मत वाला होगा। मुझे शूटिंग के लिए अभी निकलना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। आशीर्वाद दूंगा बेटा, राज तिलक करके जा तू। अबे तो अपनों ने लूटा, कहरो बे कहा दब था, और मेरी किस्ती वहां डूबी जहां डायरेक्टर डेविड धवन था। मैंने सुना है कि यहाँ पर मेरी हीरोइन आई है और मैं उसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है मेरी हीरोइन? गो 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 गोविंदा, गो 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 गोविंदा, गो 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 गोविंदा। ये क्या कर रही हो? आ लागू अंकल। मैं तुम्हारे पापा से सिर्फ 2 साल छोटा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये करती हो? लेकिन अंकल, मैं तो आपकी हीरोइन हूँ। तुम मेरे हीरो नहीं हो सकती हो। ये मेरी हीरोइन हो सकती है क्या? इसकी शक्ल देखो आप।
इतनी बोटी गेंडे जैसी इसकी आंखें। मैं क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? करीना में ऐसा क्या है, मुझ में ऐसा क्या नहीं? अरे उसका जीरो फिगर है और तेरा? उससे बड़ा जीरो मेरे पास है। कर सकती है। चलो फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं और शूटिंग का सबसे मुश्किल सीन करते हैं। यानी कि स्टंट करना है? नहीं पागल, डांस करना वो मुझे नहीं आता। हेलो पापा, इस नल्ले को डांस भी नहीं आता। पापा प्लीज इधर आ जाओ घाघरा चोली डाल के, मेरी दूसरी शूटिंग है। हाँ पापा मैं निकलती हूँ, फटाफट आओ पापा। हेलो, हाँ बेटी बोलो। अच्छा वो शूटिंग में भी आना है? आता पहुँचता हूँ। आजकल हमारे स्टार इतने बिजी हो गए कि उनके डुप्लीकेट भी काम करते हैं ना भाई। और जहाँ पे वो नहीं जा सकते डुप्लीकेट्स को भेजना पड़ता है। लेकिन करीना जी, हम कैसे मान लें कि आप असली करीना हो? प्लीज इधर आके आपको डांस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छा डांस सिर्फ करीना ही करती है। अर्चना आपसे शुरू करेंगे, ये पागलपन कैसा लगा आपको? यू नो हम जब देख रहे तो करीना ने मुझे ऐसे विस्पर किया, आई लव दिस एक्ट। ड्यूरिंग द एक्ट इटसेल्फ उनसे रहा नहीं गया, एंड शी वाज एंजॉयिंग इट सो मच, एंड सेम हियर, इट वाज अ वेरी वेरी एंजॉयबल एक्ट। करीना हाउ डिड यू लाइक इट? इट वाज अमेजिंग, एंड जो बॉडी लैंग्वेज था, आई थिंक I mean, I should learn something. It was just fantastic. Well done. Sohail. जो आपकी शुरुआत थी तीनों की, वो इतनी high level पे थी कि थोड़ा सा tail end में tempo slow हो गया था, but very well done. Congratulations. Scores, Sohail. We go for a. Thank you. मधुर करीना, it was a pleasure having you on our show tonight. I hope आपने बहुत enjoy किया। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने बड़े मंच पे हम आ पाए, आप लोग के सामने कॉमेडी सर्कस पे, कि हम लाइव देख सकते थे। सो थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स हमारी फिल्म ज़रूर देखना मेरे जन्मदिन पर एज अ बर्थडे गिफ्ट।